जैसा कि देख पा रहे हैं होंडा की वीडियो है और गाड़ी चालू है और एसी हमने चालू रखा है, एसी अभी चालू किया और ब्लोअर भी एक पे रखा हूँ और कूलिंग टेम्परेचर हो रहा है धीरे धीरे कम, बहुत कम हो रहा है, कूलिंग कम हो रहा है। तो इसमें मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि क्या हो रहा है जो हम इसका ब्लोअर एक पे रखे हैं। ब्लोअर एक पे आपको कुछ सुनाने के लिए रखा हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं एसी का बटन ऑफ किया तो आप एक साउंड सुन लीजिए, साउंड आ रहा है क्या नहीं एसी चालू करने के बाद। मैं रेस थोड़ा 3000 RPM पे रखा हूं ताकि आपको समझने के लिए, जैसा मैं एसी चालू करता हूं तो कंप्रेसर का आवाज आ रहा है। देख पा रहे हैं आप, सुन पा रहे हैं, आवाज आता होगा आपको। यहां से अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा बाहर आपको दिखा देता हूं। तो चलो बाहर दिखा देता हूं आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी अभी चालू है, अपना देख पा रहे हैं गाड़ी चालू है और मैं प्रेशर स्विच की वायर निकाल के रखा हूं सिर्फ आपको साउंड सुनाने के लिए। जैसे मैं देखो प्रेशर स्विच लगा रहा हूं, आवाज नहीं आ रहा है, लगभग 2000 से 3000 RPM पे आप रेस करेंगे तभी आवाज आ रहा है। तो इसको कंप्रेसर रिप्लेस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बाहर दिखाया कि नॉर्मल रेस पे कंप्रेसर आवाज नहीं कर रहा है, जब भी हम इसका रेस लगभग 2000 से 3000 बीच में जाते हैं तभी कंप्रेसर आवाज करने लग रहा है। यहाँ से आप सुन सकते हैं इजिली, प्रेशर स्विच निकाला हुआ है, लगा के आता हूं मैं जरा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं RPM 3000 पे लिया हूं और आप सुनिए जरा आवाज, अभी एसी बंद है तो कुछ साउंड नहीं आ रहा है, जब एसी चालू करता हूं तो साउंड सुनिए। आशा करता हूं आपको साउंड सुनाई दिया होगा। तो इसके वजह से हम इसका कंप्रेसर रिप्लेस करेंगे। तो चलो फिर हम इसको कंप्रेसर रिप्लेस करने के लिए लग जाते हैं, इसका कंप्रेसर खोलते हैं। खोल के ये रही नया कंप्रेसर जो कि मैं आपको बाद में दिखा दूंगा कैसा है कंप्रेसर। तो जब तक के लिए हम बाहर खोलते हैं, कंप्रेसर निकालते हैं, निकालने के बाद फिर आगे आपको दिखाऊंगा। रिकवरी कम्प्लीट हो गया, मैं इसका गैस निकाल चुका हूँ, अब कंप्रेसर खोल लेते हैं। कंप्रेसर खोलने के लिए नीचे का फाइबर खोलना पड़ेगा, फाइबर खोल के मैं कंप्रेसर खोलता हूँ फिर आपको आगे दिखाऊंगा। कंप्रेसर खोलने के लिए आपको सबसे पहले ये वाली पैनल खोलना, ये फाइबर खोलना पड़ेगा। ये फाइबर अलग कर दिया हूँ और नीचे से कंप्रेसर बिल्कुल साफ दिख रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब ये बोल्ट है, ये सब बोल्ट खोल के फिर मैं आपको कंप्रेसर बाहर लेके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेल्ट मैंने निकाल दिया हूँ और कंप्रेसर भी खुल गया, कंप्रेसर नीचे ले लेता हूँ। देख पा रहे हैं कंप्रेसर ये रही, तो चलो मैं बाहर लेता हूँ इसको फिर दिखाता हूँ आपको। ताकि आप देख पा रहे हैं मैंने कंप्रेसर निकाल दिया है, देख रहे हैं सिस्टम बिल्कुल क्लीन है, इसमें सिर्फ नॉइज आ रहा था इसकी वजह से इसको चेंज कर रहे हैं। ये रही नया वाला कंप्रेसर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टैंडर्ड का है, ओरिजिनल कंप्रेसर है। चलो अब हम इसको फिटिंग कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नया कंप्रेसर फिट हो चुका है, बेल्ट भी लग चुका है। चलो अब हम इसमें नाइट्रोजन वगैरह प्रेशर मार के फिर लीक टेस्ट कर लेंगे, फिर आगे दिखाऊंगा आपको। चलिए हम इसको फिट कर चुके हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और मैं इसमें पाव वाला प्रेशर लगा के रखा हूँ और नाइट्रोजन प्रेशर मार के रखा हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं 11:32 हो रही है अभी, और 300 का प्रेशर मार के रखा हूँ और 10-15 मिनट हम रुकेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, उसके बाद फिर आगे आपको दिखाऊंगा। आप देख पा रहे हैं 12:02 हो गया,
लगभग आधा घंटा हमने इसको प्रेशर में रखा है और प्रेशर देखो उतना ही है, तो चलो अब हम इसका प्रेशर छोड़ देते हैं। तो वैक्यूम में लगा देता हूँ मैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो कि कंप्लीट हो चुका, मैं अब इसको वैक्यूम में लगा देता हूँ। पाँच मिनट के लिए लगाता हूँ, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वैक्यूम कंप्लीट लग चुका और मैं इसमें थोड़ा ऑयल मार देता हूँ, ये कंप्रेसर नया डाला हूँ, कंप्रेसर में भी डाला हूँ, थोड़ा ऊपर से मार देता हूँ और फिर अब हम इसको गैस चार्ज कर देते हैं। 400 ग्राम गैस नहीं डालूँगा, कम डालूँगा, 250 ग्राम गैस डाल देता हूँ मैं इसमें। चलो फिर अब हम अंदर जाते हैं, गाड़ी चालू करते हैं, फिर एसी वगैरह फुल चेक करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रॉपर फिट करके गैस चार्ज वगैरह सब करके फिटिंग कर चुका हूँ और आप ऊपर देख सकते हैं स्मूथ चल रहा है। चलो अंदर देख लेते हैं फिर हम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अंदर गाड़ी चालू है, एसी चालू है और कॉम्प्रेसर आप देख पा रहे हैं 3000 RPM पे ले रहा हूँ, तो स्मूथ चल रहा है कॉम्प्रेसर। आवाज़ आ रहा है पर इतना आवाज रहता है इसमें, लेकिन जूनी वाली जो कंप्रेसर आप एसी चालू है और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 6.3 पे आ चुका है। जूनी वाली कंप्रेसर भी रिपेयर हो जाता है, लेकिन कस्टमर का कहना था कि नया कंप्रेसर डलवा दो अच्छा रहेगा, तो इसकी वजह से नया कंप्रेसर डाला गया है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ब्लोअर वगैरह स्विच सब प्रॉपर चल रहा है, मोड बटन भी प्रॉपर चल रहा है, आउटसाइड ईयर भी प्रॉपर चल रहा है और रियर डिफोगर भी प्रॉपर चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज 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 प्लीज।